हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ टेंथ का जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का है। ये धावन सोडा यानी धोने का सोडा जो होता है आपका, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी की दृष्टि से आपके लिए ये कराया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें, उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। उसके बाद रासायनिक नाम लिखने के लिए आपसे एक नंबर में आ सकता है, तो रासायनिक नाम जो होगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगली, बनाने की विधि काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो बहुत ही आसान आपको कराई जा रही है, तो अच्छे तरीके से इसको देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बन गया धावन सोडा प्लस H2O यानी जल। ठीक, बहुत ही आसान सी समीकरण है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे, एक दो बार रिपीट करने पर ही आपके ये याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है भौतिक गुण 1 से 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर में, कि धावन सोडे के भौतिक गुण लिखिए। तो ये सफेद रंग का ठोस है, ये जल में विलय है, दो हो गए आपके, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये सफेद रंग का ठोस है, यह है जल में विलय है। उसके बाद रासायनिक गुण जो होते हैं ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, और उम्मीद है कि आपके 2020 में भी पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले इसकी हम क्रिया कराएंगे, रासायनिक गुण में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी खाने का सोडा बन जाता है। ठीक, ये लिया हमने धावन सोडा Na2CO3 प्लस H2O और CO2, ये हमने इसमें प्रायत कर दी, तो हमारा बना NaHCO3 यानी खाने का सोडा। ठीक, उसके बाद एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि धावन सोडे के दो रासायनिक गुण लिखिए, तो दूसरा गुण आप ये लिख सकते हैं, अम्लोष्य क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अम्लोष्य करने पर लवण प्राप्त होते हैं। ये हमने अम्ल ले लिया है एक HCl, और ये इसके लवणक बन गए हैं NaCl, और CO2 जो है उड़ गई है, और H2O, ठीक है, पानी बचा है। उपयोग में हम लिखेंगे, उपयोग में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धावन सोडे के उपयोग लिखिए, तो खाने का सोडा बनाने में, ठीक है, जो कि हमने अभी बनाया है ये देख रहे होंगे आप, और लवण बनाने में जो कि हमने लवण बनाए थे, बहुत ही आसान। उम्मीद है कि आपको एग्जाम में ये 5 से 3 नंबर दे जाए, 100% इस प्रश्न के आने के चांसेस हैं, तो अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें, ये टॉप क्वेश्चन में है हमारे, 100% इसके आने के चांसेस है, तो हल्के में ना लें, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।